स्टूडेंट दिस इज मयंक शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग मैथ्स गुरु मयंक चैनल। आप लोगों को पता है कि आपके पास लगभग 4 या 5 दिन का टाइम ही है और इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर रिवाइज करते रहें जो भी आपको आता है। कुछ भी आप नया पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो ये बात ये है कि आपको पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कई बार आपने ये नोटिस करा होगा कि अगर आप पेपर सही से अटेम्प्ट करते, जब भी आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि कई बार आपकी टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है, कई बार आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, कई बार आपके आते हुए क्वेश्चंस तो आपकी उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में। तो बहुत सारी मिस्टेक्स आप लोग करते हो और ये सारी मिस्टेक्स आपको तभी पता चलती हैं जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एग्जाम रूम में बैठे हो तो आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। आप सब लोग को पता है कि आपका पेपर किस किस फॉर्मेट में है। अगर हम लोग क्वेश्चन वाइज बात करें तो आपको 16 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आप कितने मार्क्स लेके आ सकते हो, 1 मार्क्स, 16 into 1। वो क्वेश्चंस थोड़े से कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं। उसके बाद आपको केस स्टडी मिलेंगी 2, मतलब कि वो भी वहां पर MCQ टाइप होंगी और ये 24 मार्क्स का आपका एक सेक्शन आप मान के चल सकते हो। उसके बाद आपको 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये जनरली आपको आउट ऑफ 10 5 या 6 क्वेश्चन NCERT के मिलते हैं और काफी बेसिक इजी कॉन्सेप्ट पर होते हैं। इसमें से भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और आपको घुमा देने वाले होते हैं। उसके बाद आपका आता है सेक्शन अगला जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी मैंने नोटिस करा है कि 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो NCERT के एज इट इज क्वेश्चन होते हैं और 2-3 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाने वाले होते हैं। और लास्ट सेक्शन आता है जिसमें से 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं और आपको पता है कि उसमें से 3 में 2 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक आते हैं, 1 क्वेश्चन थोड़ा सा आता है कि जिसमें आपको कैलकुलेशन या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना चाहिए। तो आपको जो सेक्शन स्टार्ट करना चाहिए वो ये है कि सबसे पहले आप एक सेक्शन को छोड़ दो जिसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 24 मार्क्स वो आप साइड में रख दो। सबसे पहले आप जो भी 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनमें टिक कर लो कि आपको कितने आते हैं, ठीक है। मैं श्योर हूं कि अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो 2 मार्क्स वाले 10 में से आपको 4-5 क्वेश्चन तो आते ही होंगे, ठीक है। आपने सेक्शन जो भी सेक्शन का नाम है, बी सेक्शन का नाम है तो बी डाला और उन 5 क्वेश्चंस को सबसे पहले किया, फिर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करे और लास्ट में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करे। अब आपको एक आइडिया लग जाएगा और आप पहले वही क्वेश्चंस करो जो आपको आते हैं इन्हीं ऑर्डर में। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना कि जो भी सेक्शन आप कर रहे हो उसको ऊपर मेंशन जरूर करना, साथ में ही आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसका क्वेश्चन नंबर बहुत प्रॉपर वे में। और याद रखना कि ये जो कॉपी है ना एग्जाम की, वो आपसे कोई उसका चार्ज नहीं पड़ रहा, जो देना है वो आप दे चुके हो। तो आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस बनाकर, जितना ज़्यादा स्पेस मेंटेन करके, हर क्वेश्चन के बाद अच्छे से प्रॉपर रिप्रेजेंट करके आंसर को बॉक्स में बंद करके लिखोगे, उतना ज़्यादा टीचर इम्प्रेस होगा। और आपके स्टार्टिंग के अगर आपने 4 क्वेश्चन शुरुआत के 2-2 नंबर वाले, 3 क्वेश्चन में से भी मान लो 3 क्वेश्चन और 5-5 वाले में से 1 या 2 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपको पता है कि आपका लगभग लगभग पासिंग मार्क्स हो जाएगा। देखो कितना आसान है, अगर आपने 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स, 3 वाले 4 क्वेश्चन 12, 20 और 1 25, तो 26 ही तो पासिंग है। पूरी फाइट आपकी हो गई कि आप किसी तरीके से पूरे पेपर में, बचे पेपर में आप 1 नंबर भी गेन कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। आप अगर अच्छा कर लोगे तो आप और भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, लेकिन इससे हॉच पॉच भी नहीं होगा। तो जैसे ही पेपर में जाना आप टिक मार लेना कि भाई मुझे 2 मार्क्स वाले 4 आते हैं या 5 आते हैं, 3 मार्क्स वाले ये आते हैं। उसके बाद आप क्या करना, फिर जो आपको थोड़े कम आते हैं चाहे तो आप उन सेक्शंस के बाद स्पेस छोड़ सकते हो या आप बाद में कर वो करना। ऐसा करते करते आपका 2 घंटे में ये शायद हो जाएगा, आपका 2 घंटे में ये चीज हो जाएंगी या थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग जाए। फिर सीधे आ जाना केस स्टडी पे। केस स्टडी में क्योंकि तुक्के मारने, और मान लो आपने आपको कहीं दिमाग चल गया और आपके वो सही हो गए तो आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। आपको 5 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं तो आप वो सही से कर लेना। उसके बाद सबसे लास्ट में जब आपका पेपर बचे तो एक नज़र डालना 1 मार्क्स वालों पे, उनमें से भी जो आपको आते हैं उनको करना। तो एट लास्ट मैं आपको रिपीट कर देता हूँ
कि आपको 2 मार्क्स वाले पहले क्वेश्चंस करने हैं, 3 मार्क्स वाले उसके बाद करने हैं, और आपको 5 मार्क्स वाले उसके बाद करने हैं। अगर आपके पेपर को देखते हुए आपको सिर्फ 4 और 4 और 1 इतना क्वेश्चन भी आपको समझ लो कि आपको आते हैं, मतलब पेपर में से अगर आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन भी आते हैं पूरे पेपर में से, 2 मार्क्स वाले 4, 3 मार्क्स वाले 4 और 5 नंबर वाला 1, तो आपको एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, पूरी मेहनत आप लोगों ने करी है, तो डेफिनेटली आप एग्जाम ये क्लियर करोगे। उससे पहले प्रैक्टिस के लिए 3 सैंपल पेपर 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख को जरूर लगाना, 11-12 तारीख को NCERT जरूर पढ़ना। थैंक यू।